6,50,000 साल पहले क्या हुआ था, धरती से कैसे विलुप्त हुए थे डायनासोर, क्या डायनासोर को इंसानों ने मार डाला था, क्या फिर किसी और वजह से डायनासोर का धरती से अंत हो गया था। हम आप शायद इस सवाल का जवाब देने में घंटों सिर खुजाते रहे, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं इस विशालकाय जीव का धरती से अंत कैसे हुआ। चलिए जान लेते हैं। बताया जाता है कि करीब 6,60,00,000 साल पहले एक एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकराया था। इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा थी। एस्ट्रॉइड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया था। इस टक्कर से समंदर में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी थी जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। ये कयामत के आने जैसा था। हमारे वायुमंडल तक में आग लग गई थी। 25 किलो से ज्यादा वजन का कोई जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बचा। कयामत इसे ही तो कहते हैं कि एस्ट्रॉइड की टक्कर से धरती पर जीवों की 75% नस्लें हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की तमाम नस्लें तबाह हो गई थी। कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर ही इस तबाही से बच सके थे। बाद में डायनासोर की ये नस्लें परिंदों में तब्दील हो गई और आज डायनासोर की कोई भी नस्ल जिंदा नहीं है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।